नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हीट एंड मास ट्रांसफर के इस वीडियो में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हीट कंडक्शन थ्रू ए प्लेन वॉल। तो आप देख सकते हैं प्लेन वॉल आपको नजर आ रही है। प्लेन वॉल में टेम्परेचर T1 है लेफ्ट सरफेस का, और राइट सरफेस का टेम्परेचर T2 है, और Q जो है वो हीट फ्लो रेट है, L इसकी थिकनेस है। और आप देख सकते हैं कि सरफेस वन कहाँ पे है, सरफेस टू कहाँ पे है। ये 3D वॉल है, ये 2D नहीं है, तो आपको 3D में इसको देखना है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। कंसिडर ए प्लेन वॉल एज शोन इन द फिगर। लेट T1 है टेम्परेचर ऑफ सरफेस वन, T2 है टेम्परेचर ऑफ सरफेस टू, K है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वॉल, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिससे हीट बह रही है उसे A कहा गया है। नाउ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इज, ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम ड्राइव कर चुके हैं, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ये है डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल कैपिटल टी अपॉन डेल स्मॉल टी। कैपिटल टी है टेम्परेचर और स्मॉल टी है आपका टाइम। तो अगर हीट जनरेशन जीरो है तो क्यू जी जीरो हो जाएगा। अगर एक्स ही डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो बाई का डिफरेंस, बाई के रेस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव, और जेड के रेस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और अगर स्टडी फ्लो है तो डेल कैपिटल टी अपॉन डेल स्मॉल टी भी जीरो हो जाएगा। तो केवल पहला टर्म बचेगा क्वेश्चन फर्स्ट में, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सिंस फ्लो इज वन डायमेंशनल इन एक्स डायरेक्शन ओनली, फ्लो हमने क्या माना है वन डायमेंशनल माना है, एंड फ्लो इज स्टडी, तो आप देख सकते हैं फ्लो स्टडी है, तो डेल कैपिटल टी अपॉन डेल स्मॉल टी इज इक्वल टू जीरो होगा। स्टडी फ्लो में टाइम के रेस्पेक्ट में जो आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज रहती हैं उनके वेरिएशंस नहीं आते हैं, और एक्स डायरेक्शन में फ्लो है इसलिए बाई डायरेक्शन में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, और जेड डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव भी जीरो है। ऑल्सो इंटरनल हीट जनरेशन इज जीरो, क्यू जी इज इक्वल टू जीरो। सो इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूसेस टू, इक्वेशन फर्स्ट में केवल एक ही टर्म बचता है, वो बचता है डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। चूंकि कैपिटल टी का पार्शियल डेरिवेशन केवल एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर है C1, दोबारा करेंगे तो मिलेगा टी बराबर C1x प्लस C2। आप आराम से इत्मीनान से इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए और देख लीजिए आपको टी की वैल्यू मिल जाती है C1x प्लस C2, और इसे हमने नाम दिया इक्वेशन सेकेंड। अब टी बराबर मिल चुका है हमें C1x प्लस C2 इक्वेशन सेकेंड। एक्स बराबर जीरो पर, यानी जो लेफ्ट सरफेस थी आपकी जो आपने वॉल ली हुई है उस पर टेम्परेचर कितना है T1, तो ये वैल्यू हमने वहाँ पे रख दी, एक्स की वैल्यू जीरो रख दी इक्वेशन सेकेंड में और टी की वैल्यू T1 रख दी, तो हमें मिलता है T1 इज इक्वल टू C1 इंटू जीरो प्लस C2। तो C1 इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू हमें मिल जाती है T1, C2 मिल गया हमें T1। तो इक्वेशन सेकेंड रिड्यूसेस टू, इससे हमारी इक्वेशन सेकेंड रिड्यूस होने वाली है किसमें, टी इज इक्वल टू C1x प्लस T1, क्योंकि C2 की वैल्यू T1 मिल चुकी ना हमें। अगेन एट एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स बराबर एल पर टी की वैल्यू कितनी है T2 है, राइट सरफेस पर टी की वैल्यू T2 है, तो हमने टी की जगह T2 रख दिया और C1x की एल रख दिया प्लस T1, तो इससे हमें मिल जाएगी C1 की वैल्यू। तो T2 बराबर है C1L प्लस T1, तो C1 मिल गया हमें T2 माइनस T1 अपॉन L। देयरफॉर इक्वेशन थर्ड बिकम्स, अब हमें इक्वेशन थर्ड क्या मिली थी, टी बराबर C1x, तो C1 की वैल्यू अभी हमने डिटरमाइन की है, वो है T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू एक्स प्लस T1। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 और T1 का आएगा 0, इसलिए dt अपॉन dx हमें मिल गया है T2 माइनस T1 अपॉन L। बाई फोरियर स्लोप कंडक्शन हमने लगाया फोरियर स्लोप कंडक्शन, q बराबर माइनस के dt अपॉन dx, माइनस के और dt अपॉन dx की वैल्यू अभी मिली थी हमें, क्या मिली थी T2 माइनस T1 अपॉन L। हैंस थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट फ्लो बराबर है एल अपॉन के, ये हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं। नाउ इफ वेट इज मेन क्राइटेरियन फॉर थर्मल इंसुलेशन ऑफ द वॉल, देन अगर वेट ही मेन क्राइटेरियन मान लें हम किसी वॉल के थर्मल इंसुलेशन के लिए, तो वेट बराबर क्या होता है mg, और m बराबर क्या होता है रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा वॉल का a इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, तो रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और l की वैल्यू हम रखने वाले हैं यहाँ पे RTH इंटू के, तो रो ए RTH इंटू के इंटू जी, तो हमें मिलता है ये रो के ए स्क्वायर RTH जी, W बराबर है रो ए एल जी, जी स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रो ए RTH के जी रो के ए स्क्वायर RTH जी। इट मींस लाइटेस्ट इंसुलेशन फॉर ए गिवन थर्मल रेजिस्टेंस, अगर हमें कोई थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए फिक्स उसके लिए
सबसे लाइटेस्ट हमारा थर्मल जो है इंसुलेशन क्या होगा, विल बी वन इन विच प्रोडक्ट ऑफ मास डेंसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी मिनिमम, जिसमें मास डेंसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट मिनिमम होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो देखने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।